नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टू फाइंड डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एंड टू फाइंड डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीजें हैं। तो उसे समझने के लिए लेट अस टेक अ फंक्शन y is equal to f of x। एक फंक्शन हम लेते हैं y is equal to f of x। यहाँ पर x जो है that is independent variable और y जो है वो dependent variable है। y dependent क्यों है? क्योंकि y की सारी value depend करती है x पर। if अगर x की value में हम कोई change करते हैं तो y की value में भी change आता है। आपने check किया होगा if f of x कोई function दिया है और उसमें आपने अगर x की जगह 2 put किया, 3 put किया, तो उस तरह से y की value में भी change होता है। Okay, now suppose there is a very small change in x and that is del x। suppose करते हैं कि x की value में एक change हुआ है और वो है del x। ठीक है, वो del x से increase हो गई है। so what will happen then? there will be a change in y and that is del y। okay, वो del y से बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर मैं x की जगह f of x plus del x लिख दूं तो y हो जाएगा y plus del y। okay, now अब क्या होगा, इस del y को अगर हम यहीं रहने दें और इस y को हम shift करते हैं उस side, we will get f of x plus del x minus y। And what is y? The value of y is f of x. So let us put there f of x plus del x minus f of x और इस साइड आ गया del y। अब अगर इस इक्वेशन को if I divide both sides by del x, I get del y by del x is equals to f of x plus del x minus f of x upon x। अब differentiation from first principle क्या होता है? It is instantaneous change in the value of y with respect to x। okay, तो x की value में जो change हुआ उससे y की value में जो change होता है वो, और उसको हम find out करने के लिए लिखते हैं dy by dx limit del x tends to 0। sorry, मैंने यहाँ h लिख दिया क्योंकि कुछ books में x ही लिखा है। del x tends to 0 f of x plus del x minus f of x upon h। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर कुछ जगह पर del x की जगह पर कुछ बुक्स में आपको h मिलेगा, तो चलिए हम उस फॉर्म में भी इसको लिख लेते हैं। dy by dx is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। और यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बहुत सिंपल फार्मूला है और इस फार्मूले का यूज हम आने वाले जो क्वेश्चंस हैं इसका यूज करेंगे और वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। एक बात ध्यान रखिए कि डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक भी है। इसको जनरली लोगों को प्रॉब्लम वहां होती है कि अगर उनका लिमिट वाला चैप्टर या ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर क्लियर नहीं हो, अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्योंकि इसमें लिमिट से रिलेटेड सारे फार्मूले यूज होंगे। इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो कंपाउंड एंगल के फार्मूले भी इसमें यूज होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको वो पता है तो आप इस टॉपिक को बहुत इजीली कर पाओगे। और एक और बात, dy by dx कुछ जगह जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो कुछ लोग dy by dx लिखते हैं उसको, ओके, कुछ उसको f'x भी लिखते हैं, ओके, f', या फिर कुछ लोग उसको f1 लिखते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही है और उन सबको क्या बोलते हैं, दे आर फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। तो चलिए हम इस फार्मूले का यूज करके अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं हम, y is equal to x raised to n, ये कैसे करेंगे? We know that, इसे लिखे हम f of x is equal to x power n। okay, तो f of x plus h क्या होगा? f of x plus h होगा x plus h पावर n। ओके, नाउ हमारा जो फार्मूला है हम उसे लगाएं
that is dy by dx limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. अब देखिए f of x plus h क्या है, that is right here limit h tends to 0, it is x plus h power n minus x power n upon h. Okay, अब हम इसको expand करते हैं, ये होगा limit h tends to 0 x plus h को x plus h power n को जब हम open करेंगे it will be x power n plus n x power n minus 1 into h plus n n minus 1 upon factorial 2 x power n minus 2 into h square till h power n तक जाएगा ये. Okay, then minus x raised to n upon में आ जाएगा h. Now देखिए यहां पर क्या cancel होगा, x raised to n यहां cancel हो जाएगा plus में minus में. Now here it will be limit h tends to 0 n x raised to n minus 1 into h plus n n minus 1 upon factorial 2 x raised to n minus 2 into h raised to 2 h square till h power n upon h. अब देखिए h यहां भी है, h यहां भी है और h यहां भी है, हम इस h को कॉमन निकालें, so we will get, यहां लिखें limit h tends to 0, h को अगर हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास होगा n x raise to n minus 1 plus n n minus 1 h into x raise to n minus 2, यहां h square में से h निकल गया तो h बचेगा till यहां होगा h raised to n minus 1, okay, upon h, h cancel, हम इसे ऐसे लिख लें, n x raised to n minus 1, और बाकी ये सारी value, हर जगह h है, ये सारी value हो जाएगी 0, okay, तो we will get n x raised to n minus 1, that is dy by dx. तो इस तरह से हम दिए हुए फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि सपोज हमारे पास है यहां पर y की जगह पर है x raised to n की जगह हमारे पास है अब sin x. अगर यहां sin x हुआ तो यहां क्या होगा, राइट sin x हियर, ओके sin x plus, यहां पर f of x plus h क्या होगा, sin x plus h हो जाएगा. ओके अब हम यहां वैल्यू पुट करें तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x plus h क्या है, वो है sin x plus h minus sin x upon h. ओके sin c minus sin d क्या होता है, sin c minus sin d का फार्मूला होता है sin c minus sin d is equals to 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2. तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे limit h tends to 0 it will be 2 cos c, मतलब ये पूरा, that is x plus h plus x upon 2 into sin x plus h minus x upon 2, okay, upon h. अब देखिए यहां पर ये x और ये x तो cancel हो गया, ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, we get here limit h tends to 0, here it will be cos 2 cos xx हो गया 2x plus h upon 2 into sin h upon 2 और यहां अपॉन में h. तो इस 2 को अगर मैं यहां से निकाल के इसके अपॉन में दे दूं तो h अपॉन 2 हो गया,
तो लिखते समय हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट लाइक दिस, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया कॉस 2x अपॉन 2 प्लस एच अपॉन 2, ओके, इनटू, मैं यहां पर लिमिट लगा देता हूं, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन 2 अपॉन एच अपॉन 2, तो ये तो हो जाएगा 1, सो वी विल बी हैविंग लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच अपॉन 2, देखिए 2 2 भी कैंसिल हो गया यहां पर, ओके, नाउ इट विल बी cos x, मतलब d अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, वो होता है cos x के इक्वल। अब ये सिर्फ साइन x का क्वेश्चन मैंने लिया, अगर साइन x की जगह पर सपोज यहां पर रूट एक्स होता तो हम क्या करते हैं, सपोज यहां होता रूट एक्स, ठीक है, तो यहां पर भी होता साइन रूट एक्स, तो यहां होता साइन रूट एक्स प्लस एच। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा, ओके, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये होगा साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन एच। जिस तरह से हमने साइन एक्स के क्वेश्चन में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया था, वही फार्मूला हमें यहां लगाना है, और वो होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, तो हो गया टू कॉस सी अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस डी अंडर रूट एक्स अपॉन टू इंटू साइन सी दैट इज अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस डी अपॉन टू, और पूरे के अपॉन में जो हमारा एच है वो एज इट इज। अब देखिए इस एच को अभी हमने जब उस समय सॉल्व किया था तो आपने देखा होगा कि यहां पर साइन एक्स था, साइन एच अपॉन टू था, सॉरी साइन एच अपॉन टू था, तो हमने उसको एच अपॉन टू के अपॉन में इस टू को लेके एच अपॉन टू कर दिया। अभी हमें इसको वन करना है, तो यहां तो है अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन टू, अब मैं ये कहां से लाऊंगा, तो हमारे पास तो एच ही, हम कहां से लाएंगे इसको, तो एक काम करते हैं इस एक्स में, इस एच में एक्स को प्लस करते हैं और एक्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है, और अगली स्टेप में हम इसे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो में पहले अपॉन वाली ये लिख लूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स प्लस एच अंडर रूट में एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस एक्स में अंडर रूट, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो एक्स प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो मैंने हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर का तो वो एज इट इज ही आएगा, दैट इज टू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स इंटू साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन टू। नाउ सी दिस पार्ट अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन टू, और यह अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स, इस टू को मैं इसके अपॉन में ले आऊं, ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट, लिमिट एच टेंस टू जीरो दिस पार्ट विल बी एज इट इज, दैट इज कॉस अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स इंटू साइन, ये एज इट इज लिखिए, दैट इज अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन टू अपॉन में, इसको मैं यही रह देता हूं, दैट इज अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स इंटू, ये हो गया अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स, और ये जो टू था ये मैं इसके अपॉन में दे देता हूं, ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल बी लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस
under root x plus h plus under root x upon under root x plus h plus under root x, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x अपॉन टू अपॉन अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x अपॉन टू, दिस विल बिकम वन एंड हियर इट विल बी कॉस x प्लस जीरो. जब सॉल्व करेंगे हम इसको, अंडर रूट x प्लस जीरो अगेन अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x प्लस जीरो प्लस अंडर रूट x, सो इट विल बी कॉस रूट एक्स टू रूट एक्स अपॉन टू अंडर रूट x. तो इस तरह से साइन रूट x का सॉल्यूशन इस तरह से आएगा. अब हम अगला एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर सपोज सिर्फ रूट एक्स होता तो क्या करते. अगर यहां तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया साइन वाला, अगर मैं यहां पर लेता कुछ सपोज अंडर रूट एक्स ही लेता तो क्या होता, चलिए हम उसको करके देखते हैं. इफ यू वॉन्ट टू राइट डाउन यू कैन टेक द स्नैप शॉट ऑफ द स्क्रीन. अब देखिए यहां है अंडर रूट एक्स, तो मैं यहां लिखूंगा अंडर रूट एक्स, यहां मैं लिखूंगा अंडर रूट एक्स प्लस एच, और ये तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन एच. देखिए एक बात समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए जिसका लिमिट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से हुआ है वो इसको बहुत इजीली कर सकता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. अब देखिए यहां पर क्या करना है हमको, जब भी रूट वाला कुछ आता है तो हम क्या करते हैं, यहां रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर करेंगे, तो रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर करते समय क्या होगा, इसकी साइन चेंज कर देंगे बीच की और नीचे ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. ओके तो यहां हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स. ओके मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर लिया आगे. हियर इट विल बी लिमिट एच टेंस टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर. वाई ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन में ये एच एज इट इज अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज. नाउ इट विल बी लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स. यहां एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, हमें मिला लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स. देखिए यहां पर ये एच एच भी कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स एंड इट विल बी वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस जीरो प्लस अंडर रूट एक्स दैट इज वन अपॉन टू रूट एक्स. तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है. अब हम अगला एक क्वेश्चन लेते हैं टेन एक्स, देखते हैं टेन एक्स का किस तरह से सॉल्व करना है हमें. ओके तो लेट मी राइट डाउन टेन एक्स. तो टेन एक्स यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो टेन एक्स ही रहेगा, ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस एच. देखते क्या होता है, लिखिए यहां पर लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स अपॉन एच. ठीक है, टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन एच.
ठीक है, साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉस एक्स को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू, इसको साइन एक्स न लिख के थोड़ा ऐसा लिखिए, मतलब आपको फार्मूला भी ध्यान में आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच पहले लिख लीजिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स और इंटू एच यहीं लगा दीजिए और अलग से आप कहाँ लिखेंगे। देखिए अब ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और यहाँ माइनस है, मतलब ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, ठीक है, तो हम इसे लिखें, देखिए मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको एक के नीचे एक लीजिए, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, सॉरी मैनेज इट, नाउ लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां हो जाएगा साइन ए माइनस बी मीन्स वॉट एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन, अपॉन में तो जो ये है वो एज इट इज रहेगा, वो है एच कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करें, ओपन करें मतलब ये ऐसे भी यहां पर प्लस में, इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। अब देखिए यहां क्या होगा, ये एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, ठीक है, अब यहां हमारे पास आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये साइन एच अपॉन एच लिख लीजिए इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, तो हम ये तो हो जाएगा वन वन इंटू ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स प्लस जीरो इंटू कॉस एक्स मीन्स हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स मीन्स वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वेयर एक्स, ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे करना है। अभी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगी, आपको बुक में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत अलग अलग टाइप के मिलते हैं, आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, वैसा कुछ नहीं है। अगर यहां पर इस एक्स की जगह पर सपोज यहां रूट एक्स होता तो यहां भी रूट एक्स होता, तो यहां भी रूट एक्स होता, फिर यहां भी रूट एक्स होता, यहां भी रूट एक्स होता, फिर यहां भी हम रूट लगा देते, यहां भी रूट लगाते, यहां भी रूट लगाते और यहां भी रूट लगाते, फिर यहां भी रूट होता, देखिए सब जगह रूट लगा दे रहा हूं, ठीक है, यहां भी रूट होता, यहां भी रूट होता, यहां भी रूट होता, यहां भी रूट होता और यहां भी रूट होता, सब जगह रूट लगा दिए, ठीक। अब यहां ये जो इससे हमने ये फार्मूला लिखा, तो हम यहां भी यही फार्मूला लगता है, अंडर रूट एक्स, यहां रूट लगता, यहां भी रूट लगता, यहां भी रूट लगता और यहां भी रूट लगता। अब देखिए अब क्या चेंज आएगा, इसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जब रूट नहीं था तो यहां ये कैंसिल होके एच एच अपॉन आ गया था, लेकिन अभी यहां पर कैंसिल नहीं होगा, ये रूट कैंसिल नहीं होगा, अगर मैं यहां रूट लगाता हूं तो वी कैन नॉट कैंसिल लाइक दिस, जैसे मैंने यहां ग्रीन कलर से कट करके रखा है, तो यहां से हमको अलग तरीके से करना होगा, और वो तरीका क्या होगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे एच को चेंज किया था बिल्कुल वैसे ही हमको यहाँ एच को चेंज करना है। हमें क्या चाहिए, इस साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स के अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स चाहिए, तो मैं इस एच को देखिए मैं आपको शॉर्ट में लिख के बता दूं, मैं इस एच को क्या लिख सकता हूं, मैं एच को लिख सकता हूं एक्स प्लस एच माइनस एक्स लिख सकता हूं, देखिए एक्स का कैंसिल हो सकता है, और उसके बाद मैं इसी को लिख सकता हूं कि एक्स प्लस एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, और इसी को लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो ए प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो ए प्लस, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू लिखता हूं, तो व्हाट वी विल गेट,
वी विल गेट लिमिट h टेंस टू जीरो साइन अंडर रूट x प्लस एच माइनस अंडर रूट x अपॉन ये h की जगह हम क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग, मैं पहले इस नेगेटिव वाले को लिखूं, ओके x प्लस एच माइनस अंडर रूट x इंटू एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट x, ठीक है, बचता क्या है, बचता है यहां पर साथ ही में cos अंडर रूट x प्लस एच इंटू cos अंडर रूट x, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा वन, मैं इसको लिख लूंगा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस अंडर रूट एक्स। अब देखिए ये तो हो जाएगा वन, यहां हम अगली स्टेप्स की सॉल्व कर ले, इसको डायरेक्ट लिख लें, दैट इज वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस जीरो प्लस अंडर रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस जीरो इंटू कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वन अपॉन अंडर रूट एक्स ये हो गया टू रूट एक्स, और देखिए ये cos अंडर रूट x cos अंडर रूट x cos अंडर रूट x cos अंडर रूट x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर अंडर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट x, तो इस तरह से सॉल्व होगा। देखिए मैंने सिर्फ एक चेंज किया तो उसमें एक दूसरा चेंज आपको मिल गया। तो क्वेश्चंस जो है वो सभी बहुत सिंपल टाइप के हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, आप उसको इजीली कर सकते हैं, सिर्फ इट रिक्वायर्स ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कीजिए, हर तरह का क्वेश्चन आपको जमेगा। If you want to take the snapshot, you can take it. अब हम इसमें एक अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा। And that is, वो लेते हैं हम कुछ अलग टाइप, like x square power e power x. Okay, अब इसे हम कैसे करेंगे? देखें, अगर x स्क्वायर e रेस्ट टू x होगा तो ये हो जाएगा f ऑफ x, तो ऐसे रहेगा x स्क्वायर e रेस्ट टू x, लेकिन ये क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस एच स्क्वायर इंटू e रेस्ट टू x प्लस एच, ठीक है। तो यहां हम वैल्यू पुट करें, यहां क्या होगा लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करें, दैट इज x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स अपॉन एच। अब हम क्या करें कि हमें यहाँ ए प्लस बी स्क्वायर देके रखा है, हम इसको एक्सपांड कर ले, इसको ओपन कर ले, फॉर्मूला लगा दे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, लिमिट एच टेंस टू जीरो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस एक्स प्लस एच स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर e पावर x प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब क्या आएगा, अब हम इसके लिख सकते हैं यहां पर लिमिट h टेंस टू जीरो, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसे हमको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर के साथ में आ जाएगा e रेस टू एक्स प्लस एच प्लस टू एच एक्स के साथ आ जाएगा e रेस टू एक्स प्लस एच प्लस एच स्क्वायर के साथ आ जाएगा e रेस टू एक्स प्लस एच माइनस ये एक्स स्क्वायर e रेस टू एक्स एक्सक्यूज मी ये h अपॉन में, ओके। नाउ
हियर यू सी ये पार्ट और ये पार्ट हमको इनको पास में लाना है, तो इन्हें पास में लाते हैं, साथ साथ दिखते हैं. लिमिट h टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर. अब देखिए मैं e रेस टू x प्लस h को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, e रेस टू x प्लस h है तो मैं इसको लिख सकता हूँ e रेस टू x इनटू e रेस टू h एंड द बेस आर सेम, पावर इंडेक्स और पावर्स आर एडेड. ओके तो हम इसको इस तरह से लिख लें, तो यहां मैं इसको लिखता हूँ e पावर x इनटू e पावर h माइनस ये वाला पार्ट लिख लो पहले x स्क्वायर e रेस टू x एंड देन द रिमेनिंग पार्ट दैट इज 2h x e रेस टू x प्लस h प्लस h स्क्वायर e रेस टू x प्लस h अपॉन h. ठीक है, इस अपॉन h पे काम करते हैं, हम दोनों को सेपरेटली दे देते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, इसके अपॉन में भी दे दो एक और इसके भी अपॉन में भेज दे. ओके नाउ व्हाट विल हैपन हियर, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां से क्या कॉमन निकलने वाला देखिए, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स कॉमन निकल गया तो हो गया e पावर h माइनस वन और अपॉन में h. ठीक है, और यहां पर प्लस यहां से हम h कॉमन निकाल लें तो यहां बचेगा, सॉरी h कॉमन निकालें तो यहां बचेगा 2 h, तो निकल गया x e रेस टू x प्लस h प्लस एक h निकल गया तो एक h बचा e रेस टू x प्लस h और अपॉन में h. देखिए तो कैंसिल हो गया. ओके नाउ अब हम इसे अगली स्टेप लिखते हैं, दैट इज लिमिट h टेंस टू जीरो. एक काम कीजिए पहले हम इसको बाहर लिख लें, दिस इज x स्क्वायर e रेस टू x लिमिट h टेंस टू जीरो e पावर h माइनस वन अपॉन h प्लस लिमिट h टेंस टू जीरो, ये आया 2x e रेस टू x प्लस h प्लस h e रेस टू x प्लस h. ओके नाउ ये तो एज इट इज हो जाएगा, x स्क्वायर e रेस टू x ये हो जाएगा 1 इंटू वन प्लस यहां हम h की जगह पर जीरो लिख लें, दैट इज 2x e रेस टू x प्लस जीरो प्लस ये हो जाएगा जीरो. ओके सो इट विल बी x स्क्वायर e रेस टू x प्लस 2x e रेस टू x. तो दिस इज द आंसर, इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है. आई होप आपको डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ये जो टॉपिक है मैंने पूरी जिस तरह से मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा. देखते रहिए पवन वाघ अकेडमी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.